हमारे कानों में पड़ी और मैंने उस लड़की की इज्जत बचा लिया। उसके पिता ने ये 500 वीरता के दिया है और 500 रुपए महिनवारी, सेनापति की नौकरी। उस डाकू से अगर मैंने उसे नहीं बचाता तो हो सकता है 500 मान नहीं मिलते। किससे उस लड़की की इज्जत किससे बचाई? क्या नाम था, कौन था? डाकू जंजीरा सिंह। डाकू जंजीरा, डाकू जंजीरा, जंजीरा। माँ, तुमने डाकू जंजीरा का नाम सुना और आंखों से आंसू। माँ, अगर ऐसी कौन सी बात है तो कि तुम आज डाकू जंजीरा के नाम से रोना शुरू कर दिया। माँ, अभी तुम्हारा बेटा जीवन जीवित है। मैया हमारी बात सुन, क्यों पड़ी हो तुम? बेटा जीवन, मेरी आंखों में आंसू किस लिए आ गए उस जंजीरा का नाम सुन के? नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुन बेटा जीवन, और जंजीरा को मार डालो, जंजीरा को मार डालो। अरे क्यों रोती हूं बताऊंगी? ये जंजीरा को मार डालो, अरे क्यों रोती हूं बताऊंगी? अरे हकीकत जो है छुपा पे उसी दिन ही तुम तो हकीकत बताओगी माँ? तुम्हारे चले के सागर माँ, 10 दिन के अंदर अगर मैंने डाकू जंजीरा का खून नहीं किया तो अपना मुंह हम माँ तुम्हें नहीं दिखाएंगे। माँ, अरे कमीने जंजीरा, मैंने भी कसम खाई थी कि अगर इसी जीवन के हाथों से अगर तुझे खत्म नहीं करवाई तो मेरा नाम भी रुबादी नहीं। कमीने जंजीरा, देखती हूँ तू कहाँ बच के जाएगा। तेरी मौत बनकर मेरा बेटा जीवन तेरे पास आ रहा है। जय शंकर। मालिक, नौकर बढ़िया मिलेगा, जवान है, है? मुझे दीदी आ रही, पता नहीं क्या करे। दीदी, ओ दीदी, ओह पता नहीं कहाँ भौंरिया हुआ करती। क्या बात है पिताजी, बोलो। और चित्रकला बेटी मेरी, और बात कीजिए
चाहता हूँ जरूरी काम है, इसलिए इंदौर जा रहा हूं। बाबूजी मैं आपको, बाबूजी मैं आपको यही दे रही रा, यहाँ तो कितने दुश्मन है, अरे हजारों है दुश्मनी। पिताजी तुम्हारे हजारों है दुश्मनी, पिताजी तुम्हारे हजारों है नहीं जाएंगे तो काम नहीं होगा, ये नौकर किस काम आएंगे। और मुझको चाहे बिना और काम होगा नहीं, मुझको लाचार हूँ। सबका मददगार वो तो भगवान है, जाने तो इजाजत तो मैं तैयार हूँ। बेटी बगैर मेरे चाहे वहाँ का काम नहीं होगा, क्योंकि इंदौर जाना मुझे बहुत जरूरी है। अरे बहुत मेरा मन घबरा रहा है, क्यों आपका डाकू जंजीरा दुश्मन जो बना हुआ है, अगर कहीं आपको मिल गया तो ना जाने क्या होगा पिताजी। बेटी डाकू से तो डरती है। अरे ठीक है, मैं तो मना कर रही हूँ पिताजी से, मत जाओ, लेकिन मानते कहाँ है।
देखो यहाँ पे नौकर हैं, ये सभी काम देख लेंगे, बगैर मेरे चाहे वहाँ का काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे जाना अनिवार्य है। अरे पिताजी ऐसा क्या काम है जो काम है इसे बुधरना को भेज दिए कर आएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं समझे, जैसे यहाँ के इनकी रियासत है वैसे इनकी रियासत है, आक्रमण कर दी नहीं, इसलिए मुझे जाना बहुत जरूरी है, है ना? ठीक है पिताजी, लेकिन जा अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस लौट के आना। हाँ ठाकुर साहब तुम जाओ, आप जाओ अपना ख्याल रखियो। अब बिटिया ओ दीदी पापा तो गए, अरे पापा तो गए, ये मुझे नहीं बता गए कि नया सेनापति घर पर आएगा या नहीं आएगा। पापा पापा क्या हुआ काम संभाल ले, बिटिया तुम ये घर का काम संभाल ले। सुनो मेरी बात, जो नया सेनापति है वो घर का काम संभालेगा, आज से तुम्हारी बाहर की ड्यूटी है। आज से हमारे बाहर ड्यूटी? हाँ नहीं, अत्य दिन तो हम अंदर ही करी थी। क्या करते थे? काम अंदर काम करते, लेकिन आज से तुम्हारा काम खत्म है। अरे इतना सज्जत के कहाँ जा रहे हो? ओ जाने वाले राही, ओ जाने वाले राही, दो बातें करते जाना। चकोरी को दिखाते कब से तरस रही थी तुम्हें देखने को आंखें, रस में वफा निभा। इतना सदत के कहां को जा रहे हो? हो मेरी मलकी मलका और दिल के करीब आना, तो जाम घूट उल्फती मुझको जरा पिलाना। सुना हमारी बात, हमारे पिताजी कुछ दिन के लिए इंदौर गए, उन्होंने कहा था कि जो नया सेनापति है उसको बुला लेना, वो घर की ड्यूटी करेगा और ये जो बुधन्ना है वो बाहर ड्यूटी करेगा। हाँ बाहर पिताजी कहाँ गए? इंदौर गए हैं एक हफ्ते के लिए। हाँ चित्रकला जी फिर तो पापा इंदारा गए हैं। इंदारा इंदारा क्या? इंदौर 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 कहा है रे? इंदौरा है जगह है पक्षकाल बिला कम। अरे इंदौर का इंदारा काम, तब तक तुम यहीं पे रहोगे, हमारी तुम्हारी मोहब्बत भरी बातें होंगी, प्यार भरी बातें होंगी। मेरी बात सुनो। हाँ बताओ ना। पुन
की खबर है ना, ये दिल की खबर है ना, अपनी खबर है ना, ये दिल की खबर है तेरे इश्क का। मुझे मालूम है ये साला माधव सिंह है, इंदौर से वापस आ रहा है। सरदार जी, ये भैया कब से आई है? ये बहुत ही जल्द ये आया। अच्छा, नए भर्ती हुए हैं? नई नई भर्ती हुई है। चलो आओ, राम सिंह आ हमारे साथ। अच्छा, अब मेरा काम यहाँ तो हो गया इंदौर में, अब मुझे अपने वतन वापस चलना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि समय आने पर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। तो हाथ ऊपर। ओ
अब आया साला ऊंट पहाड़ के नीचे हमरा हंटे लौरान से मातम सिंह शर्त मंजूर कर ले बहुत अच्छा हुआ जो और मार डालो मुझे और मुझको मंजूर है मार डालो मुझे मार डालो मुझे मुझको मंजूर है पर कभी भी ना तुम्हें देखो पाए सुनो सख तेरी मंजूर और हो कि नहीं कुत्ते तेरी दिल सड़क अरे मातम हमारी शर्त मंजूर कर ले बहुत अच्छा होगा नहीं कभी नहीं मंजूर नहीं करे नहीं जब तक शर्त मेरे न मानेगा तू जब तक जीरा मुझे मर जाना मंजूर है लेकिन तेरी शर्त मुझे नहीं मंजूर है हमारी शर्त मंजूर नहीं नहीं राम सिंह अरे राम सिंह सुनो बांध लो साले को और गुफा के अंदर डाल दो साले को जीरा तुम्हें अच्छा नहीं कर रहे देखता हूँ तुम्हारी शर्त को मंजूर कैसे नहीं करेगा नहीं करूंगा कभी नहीं अच्छा मैंने अपना वादा निभाया अच्छा साले हमारे शर्त को मंजूर नहीं करो सारे परिवार को नष्ट भ्रष्ट कर दिया महाराज काल कोठरी में साले को बंद कर दो राम सिंह कागज और कलम लेकर के आओ कलम ले आओ भैया कलम ले आओ न हज कोनो सुधार ले आओ साले का दिमाग सही नहीं अरे हम लोग डाकू आदमी पता नहीं कितने टाइम हम लोग मरी मराए हैं अब पता नहीं कितने आकाश ने का मार डाली न
न्योता लिखेंगे का न्योता न्योता सारे लिखो चित्रकला जी नमस्ते नमस्ते आगे समाचार यह है आगे क्या समाचार यू है जैसे मैं बोला हूँ उसी तरह से लिखो तो यार जितना बोला था उतना लिख दिया आगे का समाचार ये है आगे का समाचार ये है कि तुम्हारे पिताजी हमारी कैद में हैं यदि अपने पिता के प्राणों को बचाना चाहती हो तो तुम हमारी दुल्हन बन करके हमारी गुफा में चली आओ तो हम तो तीन जने हम तुम्हारा चहेता डाकू जंजीरा सिंह चंबल घाटी 440 वोल्ट खतरा सुनो भेष बदल कर तुम्हें जाना होगा मातम सिंह के राजमहल के सरदार जी यू नवा नवा है ई कब भेजो नया है हाँ हो सकता है ये ना पहुंचा पाए तुम बहुत पुराने हमारे हो साथी हाँ पुराने तुम भी काम कर सकते हो चलो ठीक है ले जाओ ये लेटर चित्रकला को देकर हम तुरंत वापस आ जाएंगे अगर इस लेटर का जवाब सूरज डूबने से पहले नहीं मिला तो हम लोग हाँ मातम जी को खत्म कर देंगे और यार तुम जाने ने बहुत पक्के छू दिया है पहाड़ के नीचे अब मजा आई अब आवा है पहाड़ चिड़िया के नीचे साले उल्टी बात करते हो क्या बताऊं कई दिन हो गए पिताजी अभी तक नहीं है मेरा बहुत मन घबरा रहा है कुछ अनहोनी ना हो गई हो भैया नमस्ते 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 क्या कर रहे हो गुदना गुदवाते हो हम गुदना गोदी थी हम मेरा हाथ में गोदी जी नहीं आपका नाम क्या मेरा नाम चित्रकला नेउता नेउता हम नवा कहाँ के रहने वाले को तुम क्यों हम कहाँ लोग हम कहाँ नवा कहाँ पैदा भी रहा अच्छा हम चल रहे हैं दावी जी अरे कुछ ले तो ले ठीक है जाइए देखो मैं क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है प्यारी चित्रकला नमस्ते आगे का समाचार ये है कि तुम्हारे पिताजी हमारी कैद में हैं अगर अपने पिता की खैर चाहती हो तो हमारी दुल्हन बनके हमारे काली गुफा में चली आओ तुम्हारा चाहता डाकू जंजीरा सिंह पिताजी मेरे पिताजी को कौन चुड़ाने जाएगा मैं मना करी थी कहा होएगा तुम्हारे पापा मेरे पिताजी को डाकू जंजीरा ने कैद कर लिया है भगवान तुम साले मुंह फाड़ के रो रहे हो कुछ बताओगे मैं क्या करूं चित्रकला जी मेरी बात सुनो गुलफाम कुछ बता दो क्या बात हो रही